हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कास्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में व्हाट इज़ कास्टिंग हमने देखा था, उसके कुछ स्टेप्स जो है कास्टिंग के, पैटर्न, मोल्ड, कोर और फिर सॉलिडिफिकेशन, तो स्टेप कैसे होता है वो भी हमने देखा था। आज हम देखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। तो कास्टिंग प्रोसेस की बेसिक टर्मिनोलॉजी में कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ा रिवाइज होगा, जैसे कि मोल्ड। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि मोल्ड किसे कहेंगे। सो इट इज़ अ कंटेनर हैविंग अ कैविटी ऑफ शेप। ठीक है, मोल्ड क्या है? जो हमें शेप चाहिए, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, उस टाइप का कैविटी रहता है विच इज़ टू बी मैन्युफैक्चर्ड। द मोल्टन मेटल इज पॉर्ड इन टू द मोल्ड एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मोल्ड इज कॉल्ड एज अ मोल्ड मेकिंग। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मोल्ड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो GTU समर 19 एंड विंटर 19 में भी ये आ चुका है। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंस इसका है। सो पैटर्न, नेक्स्ट इज पैटर्न। तो व्हाट इज द पैटर्न? इट इज़ अ रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी कास्ट। मतलब कि जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा उसकी रेप्लिका, दैट इज कॉल्ड द पैटर्न। और पैटर्न से क्या करते हैं, हम मोल्ड जनरेट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, पैटर्न इज सराउंडेड विद द सैंड टू गिव रेज द मोल्ड कैविटी इन विच मोल्टन मेटल इज पॉर्ड एंड कास्टिंग इज प्रोड्यूस। ओके, सो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा वॉट इज पैटर्न। उसके बाद है कोर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में भी मैंने कोर आपको समझाया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो कोर क्या होता है कि जैसे मोल्टन मेटल अंदर आता है तो वो पूरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो कास्ट हम बोलते हैं, जो कास्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी कोई हॉल हमें रखना है तो वहाँ पे हम कोर को प्लेस करेंगे ताकि जो मोल्टन मेटल है वो कोर जो है वहाँ पे अंदर फिल ना हो सके और वो जो कोर जितना पार्ट रहता है वो हॉलो हमें रख सके। सो बेसिकली कोर क्या होता है, इट इज़ अ ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे आप देख सको, कोर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन विच व्हेन पोजिशनेड इन द मोल्ड, मोल्ड के अंदर हम जब रखते हैं, इट डज नॉट परमिट द मोल्टन पॉड मेटल टू फिल द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डज नॉट परमिट द मोल्टन पॉड मेटल टू फिल द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कोर एंड हैंस प्रोड्यूसिस द होलो कास्टिंग। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मोल्डिंग बॉक्स, इट इज द बॉक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाल्व्स, मतलब कि दो पार्ट रहते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसको हम बोलते हैं कॉप एंड जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसको हम ड्रैग बोलते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ये रहा कॉप ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट जो है उसे हम बोलते हैं ड्रैग। ठीक है, सो कॉप एंड ड्रैग, मोल्डिंग बॉक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट मोल्ड मटीरियल, जिससे हम मोल्ड कैविटी क्रिएट करते हैं उसे हम बोलेंगे मोल्ड मटेरियल। ठीक है, वो जनरली यहाँ पे वैक्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड सीमेंट, सिरामिक का बना हुआ रहता है। उसके बाद पॉरिंग कप। तो यहाँ पे अब इसको छोड़ो, अब मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे जो लेडल होता है उसमें हम मोल्टन मेटल को भरते हैं। मोल्टन मेटल किस में भरते हैं? लेडल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोल्टन मेटल जो होता है उसको डालते हैं कहाँ पे है? तो सबसे पहले आता है पॉरिंग कप, ये जो पोर्शन है पॉरिंग कप। ठीक है, और ये जो पूरा यहाँ पे भर जाएगा उसे हम बोलते हैं पोरिंग बेजिंग। अब पोरिंग बेजिंग जो होता है वो क्या करता है कि इसके अंदर जो मतलब डर्ट रहता है, ठीक है, अगर कोई कचरा रहता है तो वो ऊपर तैरता है और जो प्योर मोल्टन मेटल है उसको अंदर जाने के लिए एंट्री देता है पोरिंग बेजिंग। और वो एंट्री लेता है थ्रू द स्प्रू। ठीक है, ये जो स्प्रू है ये पोर्शन उससे हम बोलेंगे स्प्रू। तो यहां से एंट्री लेता है मोल्टन मेटल। अब मोल्टन मेटल यहां से आएगा रनर में, आप देख सकते हो यहां पे रनर। ठीक है, तो रनर क्या होता है? तो यहां पे मल्टीपल गेट्स अवेलेबल है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसमें यहां पे एक से ज्यादा गेट अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो जो रनर होता है वो सब गेट के पास मोल्टन मेटल को पहुंचाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, पोरिंग बेजिंग, उसके बाद स्प्रू, उसके बाद रनर। रनर जो है वो गेट के पास मोल्टन मेटल को ले जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ गेट्स रहते हैं अगर कास्टिंग ऑब्जेक्ट बड़ा है तो। अगर छोटा है
तो गेट एक ही रहेगा, ठीक है। तो गेट के थ्रू फिर जो कैविटी है, जो कैविटी हमने पैटर्न के थ्रू बनाई है, तो वो कैविटी में मोल्टन मेटल अंदर एंटर होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे मोल्टन मेटल एंटर होगा तो उसके अंदर जो एयर है उसको बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो जो एयर है वो कहाँ से बाहर निकलेगी, तो वो राइजर के थ्रू बाहर निकलेगी। जो अंदर एयर होगी, जैसे मोल्टन मेटल आएगा तो उसके अंदर जो एयर होगी वो यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, राइजर के थ्रू। अब राइजर जो है वहाँ पे जब मोल्टन मेटल आपको दिखे, उसका मतलब राइजर में अगर मोल्टन मेटल यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका मतलब कि पूरा जो कैविटी है, मोल्ड कैविटी, वो मोल्टन मेटल से भर चुका है, ठीक है। पूरा जो कैविटी है वो मोल्टन मेटल से भर चुका है, तभी वो मोल्टन मेटल यहाँ पे आएगा, ठीक है। वो उसकी डिज़ाइन के हिसाब से रहता है। अब यहाँ पे राइजर पे वो मोल्टन मेटल निकलता है तो ये पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे बंद कर देना है, पॉरिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर राइजर इसीलिए होता है कि एयर को बाहर निकाल सके और ये पूरा फिल होके यहाँ से मोल्टन मेटल को निकाल सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेशंस दी हुई है, रनर क्या होता है, गेट क्या होता है, राइजर क्या होता है, मैंने आपको सब समझा दिया है, ठीक है। तो बेसिक, ये था बेसिक टर्मिनोलॉजी इन कास्टिंग प्रोसेस, ओके। नाउ उसके साथ साथ हम एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन भी देख लेते हैं कास्टिंग की, जो कि बहुत आप सिर्फ देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कास्टिंग जो है वो वर्साटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, ईजी है, और आप जो भी शेप, साइज या क्वालिटी चाहो वो उसमें फ्रीडम है, आप बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। देन यूनिफॉर्म डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पूरी की पूरी हम यूनिफॉर्म रख सकते हैं, एंड उससे जो ऑब्जेक्ट बनता है उसकी वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स एंड अनइकोनॉमिकल शेप जो रहता है वो डिफिकल्ट होता है कोई दूसरी प्रोसेस से क्रिएट करना, वो कास्टिंग से ईजिली हो जाता है, ओके। एंड द प्रोडक्ट ऑप्टेन्ड बाय द कास्टिंग इन वन पीस, मतलब आप जो कास्टिंग है उसको आप वन पीस, सिंगल पीस में वो प्रोडक्ट बना सकते हो, ताकि लाइक आपको वेल्डिंग अगर यूज कर रहे हो या तो मशीनिंग कर रहे हो, तो मशीनिंग में क्या होगा कि उसमें तो मेटल रिमूव भी होगा, और वेल्डिंग कर रहे हो तो हमें उसको जॉइंट भी करना पड़ेगा, लेकिन उसमें बिना जॉइंट का हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। वेरी हैवी एंड बल्की पार्ट्स विच आर डिफिकल्ट टू गेट फैब्रिकेटेड मे बी कास्ट, देन इट ऑल्सो प्रोड्यूस मशीनेबल पार्ट्स, ओके, मशीनेबल पार्ट्स भी ये प्रोड्यूस कर सकता है। कास्टिंग प्रोसेस कैन बी मशीनाइज एंड यूज फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ द कंपोनेंट, कास्टिंग में हम मास प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिसएडवांटेज, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहेंगे। तो कास्ट कंपोनेंट रिक्वायर मोर मशीन फिनिश, ओके, देन कास्ट कंपोनेंट आर जनरली ब्रिटल एंड वीक इन टेंशन, ओके। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो भी कास्टिंग से ऑब्जेक्ट बनता है वो वाइब्रेशन, वो स्ट्रांग रहता है, मतलब कंप्रेशन में उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है और टेंसाइल में कम रहता है। वेल्डिंग ऑफ कास्ट कंपोनेंट इज डिफिकल्ट, आप अगर कोई कंपोनेंट को कास्ट करते हो उसके बाद उसको वेल्ड करना है, देन इट इज डिफिकल्ट। डिफेक्ट लाइक क्रैक, ब्लो होल्स एटसेट्रा मेक्स द कास्टिंग वीक एंड अनसुटेबल फॉर यूज, मतलब कि आप अगर डिजाइन करते हो और उसमें कुछ डिफेक्ट रह जाती है कास्टिंग में, तो वो वीक हो जाता है एंड मे बी अनडिजायरेबल टू यूज। एक्यूरेसी ऑफ द कास्ट कंपोनेंट इज लेस, देन ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस मेटल इज मेल्टेड एंड विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड स्पेस इज रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली कि आप मेटल को मेल्ट करोगे तो ऐसे तो मेल्ट होगा नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, उसके लिए फर्नेसिस चाहिए, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एंड स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, एंड दिस स्टेप इन कास्टिंग प्रोसेस पॉल्यूट्स द एटमोसफियर, आप अगर फाउंड्री में जाओगे तो पूरा एकदम हॉट एनवायरमेंट रहता है, कभी कभी वर्करों को भी बहुत दिक्कत आ जाती है काम करने में, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन, तो कास्टिंग और कास्ट कंपोनेंट वाइडली यूज इन इंजीनियरिंग फील्ड, ओके, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, देन मशीन पार्ट्स में, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, टर्बाइन वेंस, पावर जनरेटर, पंप पार्ट्स, फिल्टर, वाल्व, बहुत सारी जगह कास्ट कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं, एग्रीकल्चर पार्ट्स में, रेलवे क्रॉसिंग में, सैनिटरी फिटिंग्स में, देन कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन एंड एटॉमिक एनर्जी एप्लीकेशन,
तो ये सारी उसकी एप्लीकेशन है, बहुत सारी जगह इसका यूज है। ठीक है, तो ये है एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द कास्टिंग। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो नीचे आप कमेंट में मुझे बताइए। इसलिए आगे वाले जो भी वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।